भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के अमृत नगर परिसर में अंबेडकर नगर है, जहां कल रात एक युवक पर धारदार चाकू से हमला किया गया। यह हमला काफ़ी भयानक और काफ़ी दर्दनाक है। जिसने भी सुना देखा वो दंग रह गया। आखिर हमला करने की वजह क्या है हम आगे बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि मुंब्रा पुलिस इस मामले के पीछे तीन आरोपियों को धर दबोचा है, यानी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कल रात 12 बजे के करीब यह घटना हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। दरगाह रोड के पीछे अंबेडकर नगर है, जहां पर हमलावरों ने एक युवक को जान से मारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, धारदार हथियार से यानी चाकू से आरोपियों ने जिशान उर्फ शानू इरफान अली 24 वर्ष, जो कौसा रशीद कंपाउंड रहमत चाल का रहने वाला है, इसके ऊपर हमला किया गया। 12 तारीख की रात की यह घटना बताई जा रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए तीन आरोपियों ने किस तरह से जिशान के पेट में चाकू मारा है। जिस तरह से हमला किया गया, जिसको लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। फरियादी यानी जो पीड़ित है उसका इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस से जो जानकारी सामने आई है, इस जानलेवा हमले का कारण है आरोपी वहाब अली अंसारी की गर्लफ्रेंड को भड़काया गया है, जिसको लेकर वहाब और उसके दोस्तों ने जिशान, जो अभी पीड़ित है, जिसका इलाज जेजे में चल रहा है। वहाब आरोपी ने भी बताया है, मेरे खिलाफ भड़काता है और कुछ भी बोलता है, रुक अभी तुझे मैं जान से मार दूंगा। इतना कहने के बाद वहाब धारदार हथियार से जिशान पर हमला कर दिया, यानी जिशान के पेट में चाकू मार दिया, जिसकी वजह से उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हम आपको वो तीनों आरोपियों की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तीनों आरोपियों ने जिशान पर हमला किया है। हमले के बाद जैसे ही पुलिस को पता चला, मुंब्रा पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर जो तीन आरोपी हैं जिसने जानलेवा हमला किया था, उन तीनों आरोपियों को मुंब्रा पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। इस जानलेवा हमले के मामले में मुंब्रा पुलिस स्टेशन में 307, 324, 504, 506, 34 के तहत FIR दर्ज किया गया है। आरोपियों के नाम हम आपको बता रहे हैं, अब्दुल वहाब वहीद अली अंसारी और दूसरे आरोपी का नाम गुलाम शेख और तीसरे का नाम अरबाज अब्दुल रजाक शेख है, जो मुंब्रा पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि गर्लफ्रेंड को भड़काने के मामले में जिशान पर हमला किया गया और घायल जिशान का इलाज मुंबई के जेजे अस्पताल में चल रहा है। इन तीनों आरोपियों को महज 12 घंटे में मुंब्रा डिटेक्शन ब्रांच के पुलिस उपनिरीक्षक गलवे भोसले उदय किरपन उनकी टीम ने पकड़ा है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस निरीक्षक RB वलतकर कर रहे हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।